जय श्री श्याम दोस्तों, आज पाप मोचनी 11 और 11 स्पेशल प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम और डैन नेटवर्क की टीम। और आज मैं यहां पर मौजूद हूं श्याम हवेली, हजीरा पर स्थित है श्याम हवेली। और यहां पर आज आप सभी ग्वालियर वासियों को बाबा श्याम के दर्शन श्याम हवेली पर अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ और बाबा श्याम के दर्शन आपको कराता हूँ। और यहाँ पर इस वक्त भजन संध्या चल रही है, बाबा श्याम को रिझा रहे हैं सभी भजन गायक। चलिए आपकी मुलाकात करवाता हूँ श्याम अग्रवाल जी से, श्याम भैया से, और साथ में आपको प्यारे प्यारे से मधुर भजन आपको सुनाते हैं। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय। और जब हम गेट से यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो बाबा को बहुत पसंद है इत्र, यहाँ पे बाबा का इत्र यहाँ पर मिलेगा। और बाबा को बहुत पसंद है इत्र। जी सर, जी सर, मेरे पास जो है श्याम दरबार बाबा का प्रिय इत्र है। जी सर, श्याम दरबार बाबा का प्रिय इत्र है। दूसरा इत्र जो है बाबा का श्याम बगीची है, जो बगीची है वहाँ पे उस हिसाब से वहाँ फूलों का बना हुआ है। और उसके बाद फिर कदम है, मोगरा है, चंदन है और गुलाब है, ये तो मेन है जो बाबा के हैं। बाकी तो फिर सर बहुत सी खुशबुएं हैं जो मेरे पास इस समय करीब करीब 22 प्रकार की खुशबुएं हैं। बाबा को पसंद है वो इत्र। जी 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 सर, तो आप आते हैं श्याम हवेली पर तो यहाँ पर बाबा का इत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं, जब भीड़ भाड़ होती है, वैसे दिन में बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, और ये लाइन के द्वारा यहाँ से अंदर बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये सभी श्याम प्रेमी अभी बाबा के दर्शन कर कर आ रहे हैं। आपने दर्शन कर लिए और आपने भी किए दर्शन? हाँ। और हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हैं आप? यहीं के हम, मुरार। मुरार से आए हैं और बाबा के दर्शन किए विद फैमिली के साथ जी। क्या मांगा बाबा से? बाबा का दिया सब कुछ है, बस शुक्र करने हैं, शुक्रिया करने आते हैं। आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको दर्शन कराता हूँ बाबा श्याम के। यहाँ से लाइन चालू हो जाती है और सभी श्याम प्रेमी बाबा का दर्शन करते हुए आते हुए, और आज 11 के पावन पर्व पर और यहाँ पर जय श्री श्याम। अंकल जी भी यहाँ मौजूद हैं। जय श्री श्याम। और सभी यहाँ पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर कर आते हुए, और बाबा के सभी भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सारे की जय। जय श्री श्याम, बोलो हारे सारे की जय। और सभी लोग यहाँ पर श्याम हवेली टीम के यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा के प्रसाद सभी को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालुओं को बाबा श्याम का प्रसाद वितरित करते हुए। और अभी इस वक्त यहाँ पर भजन संध्या चल रही है, बाबा की भजन संध्या आप देख सकते हैं। सभी श्याम प्रेमी इस वक्त यहाँ पर बाबा की भजन संध्या का आनंद लेते हुए। चलिए अब आपको बाबा श्याम, श्याम हवेली, बाबा श्याम के दर्शन आपको कराते हैं। जय श्री श्याम। बाबा श्याम के और Thank you.
श्याम हवेली के दर्शन आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बोलो हारे के सहारे की जय। और श्याम हवेली हजीरा बाबा श्याम के दर्शन, जो लोग खाटू गए दर्शन की व्यवस्था एक नंबर। की दुनिया से जागे तारा सारिया, आपका प्यार झलकता, नैन से नैन मिल जाते हैं तो बाबा का दीदार हो जाता है। कि नैना माही छलके भारो निहार लो उठारक इस भाव को वही समझ सकते हैं जो खाटू से आने के बाद खाटू। कीर्तन खूब जमो अरे पागल की गारस ने खूब जमो, हर भक्ता की ये नैया पार लगाओ जी, हर भक्ता की ये नैया पार लगाओ जी। बाबा हम आपको भूल जाए, आप हमें भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। कि भूला थारा बालक आने नाही सरे, हो थारी जादूगारी मुरली आज मजा जाओ जी, थारी जादूगारी मुरली आज बजाओ जी। Oh, my God.
अग्नि पान चबाओ जी कुल्लू तो पीड़ा अग्नि पान चबाओ जी देखो मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ मंडल वालों को कि हमने सोचा नहीं था बाबा कि तुम हमारे बुलाने से आ जाओ। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि बाबा भात भरने तो तुम सुबह से ही आ गए थे, रात की बात तो छोड़ दो। जिन साहब ये सच्चाई है पूछ रहे रंग महल वालों से कि आप लोग तो 2-3 बजे निकल गए होंगे, वहां से 5 बजे गए हो, गुड। वहां सुबह 6 बजे एक बैल आया, कोई ने नहीं पकड़ा उसको, किसी ने नहीं बुलाया। एक बैल आया, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया और लगा के चला कहां गया ये भी किसी ने। कि सारी दुनिया ने बता दे तेरो भाई लागे, ओ सारी दुनिया ने बता दे तेरो मंडल का टाबर खारा चाहो शाम मंडल का टाबर खारा चाहो तार कया कया तार कया कया तार कया कया हुकम उठावे जी पुरसावे तार कया कया हुकम उठावे जी तार कया कया हुकम उठावे जी। ये लगातार मंडल वाले ये सोचना नहीं कि भैया की आवाज थी, ये आवाज उस सांवरे की थी जिसको जलवा अपना दिखाना था। जलवो थारो जी सांवरिया कन्हैया ग्वालियर के कृपा देखो कृपा कि ऊपर कन्हैया बैठे हैं, उसके नीचे बाबा बैठे हैं और उसके नीचे गुरु महाराज बैठे हैं। ऐसा दरबार ग्वालियर में कभी नहीं लगा, ये कृपा आता कैसे नहीं। पहले दिन ही दिखा दिया था कि बाबा देखो आजा आजा ऐसा
लाइन टूटती नहीं है, ये कृष्ण की लाइन नहीं टूटती भैया। 11 तारीख को बल्लभगढ़, 12 तारीख को रंगमहल, 13 तारीख को रंगमहल, 16 को झुंझुनपुरा, 18 को चावल लेने, 21 को फिर आ रहा है और 27 को फिर कृष्ण, और 30 मार्च रामनवमी के दिन कोरसा का वार्षिक उत्सव सभी प्रेमियों को निमंत्रण करता हूँ। और वो महफिल लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेम की महफिल घड़ी गड़ाएंगे। कुछ नया सुनना चाहते हो तो 30 मार्च को कोरसा आ जाओ। अजी आता रहा है सावरा, जिसने भी मेरे शाम को दिल से सजा दिया, जीवन को उसके शाम ले, मुझे आज अतुलिया ये सब तो भजन सुंदर हैं और सुंदर रहेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जैसे ही श्रृंगार खुला, एक कागज अपने आप सामने आया, मैं कभी नहीं गाया इसे, अपने आप सामने और अपने आप बात हो गए कि जिसने भी मेरे शाम को दिल में बसा लिया। एक बार पूरे पूरे हाथ वो आनंदित कीर्तन, एक बार पूरे पूरे हाथ ताली बजा के बोले खाटू नरेश की, बोले लख दातार की। आओ एक पुराना संकीर्तन करते हैं नंगाड़े और बाजे पर, हारमोनियम कर लो इसको। महाराज की दुख खाओ महाराज की, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा वैसे ही मिलेगा, चोखट बड़ी है। Mm-hmm.
जरूरत है? हाँ तो खाओ सबको सर। अच्छा वहां घुमा के बोले शाम प्यारे की शब्दों को कानों तक पहुंच जाए। देखो वो मैं दो वजन गाऊंगा जो मैंने 2020 में मार्च में गाई थी। यानी वैसे ये वो तो पुरानी याद तो ताजा करनी पड़ेगी। आप लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगे तो अभी उठ के जा सकते हैं। लेकिन बाबा ये भजन बहुत गहरा भजन है। पुरानी तू ही तू खुद बिछड़ावे।
तो सुन बिचराई कि बाबा तुम्हारी याद में नैना बरसते और अकेले में मिलने को तरसते, लेकिन तुमने सुध बिसरा दी हमारी कि नैना बरसे बीड़ी तरसे तू तो सुध बिसराई बाबा कि थारो बालकियो पीतरी घटा में मत कि थारो बालकियो पीतरी घटा में मत ना हो घटा में मत ना Thank you.
चालू होगा, सभी प्रेमियों का निमंत्रण है। Oh,
भातर बाबा मारो मीठे तोड़ो भोग लगाओ जी भातर बाबा मारो मीठे तोड़ो भोग लगाओ कौन सा भोग की बात करते हो कौन से भोग की बात करते हो ये भाव के कीर्तन का भोग लगाता है सांवरा जो भाव से बुलाता है उस कीर्तन में जाता है सांवरा अरे खाओ हो खीर खीर बनी ले ऊपर घूमो जी खाओ हो खीर खीर बनी ले ऊपर घूमो जी अरे कदे कदे घुड़ ले ने मारे कानी होती कदे कदे घुड़ ले ने मारे कानी बस इतनी सी बात है बाबा इतनी सी बात तुम्हारा घोड़ा इधर मुड़ जाएगा तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा लेकिन बाबा मैं कह देता हूं अरे दीना मेरी बात सुनी तेरे से मेरी बात सुनी तेरे से आकर बिचु आकर बाबा का सीधा से तेरे से आकर बिचु आकर बाबा का सीधा से तेरे से जबरदस्त लेके बैठे बोलो श्याम बाबा खाटू में आज से 50 साल 60 साल पहले ऐसे ही नगारे पे और ढंग मंजिले पे कीर्तन होते थे कोई हारमोनियम नहीं होता था कोई ढोलक नहीं होती थी और भजन भी यही होते थे होली उन्हीं के साथ खेलना मैं लाइन बोल रहा हूँ सुनना अरे जब जब तेरी याद सताए शाम सुबह नैनों में आए जब तेरी याद सताए अरे जब जब तेरी याद सताए शाम सुबह नैनों में आए जब जब तेरी याद सताए और सुनो बाबा हम भक्तों की यही कामना सारा जगत सुखी हो जाए सारा जगत सुखी हो जाए कैसे सुखी होगा बाबा कि कर देना ओ मेरे बाबा कर देना सुखी ये अरदास लाया हूं बाबा
क्या बोलना है बता दो। Come on, Lord.